foregone conclusion. They are not only not ruling out 50-50 strike या कोई वॉर लाइक सिचुएशन, बट वो कह रहे हैं उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता. एंड उनका ऑब्वियसली ख्याल ये है कि पाकिस्तान मस्ट बी टोटल एक्सपेंस. चंद से डरे पाकिस्तान के हालात इन दिनों इसी तरह हैं. पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर पाकिस्तान की आवाम सुबह शाम सोते जागते मोदी मोदी की रट लगाए हुए हैं. ये चेहरा आपको याद होगा, इमरान खान की सरकार में रेल मंत्री शेख रशीद. इंडिया का कोई इशू नहीं है, 60-65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक. मैं अपनी सियासी बसीरत के बुनियाद पर यह कहता हूं, मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है. उसकी सियासी पोजीशन वो मजहबी हिंदू धर्म की बुनियादों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के पाकिस्तानी हुक्मरान है और ना ही उनके चेहरे, क्योंकि उनकी धड़कनें एकदम तेज है, ब्लड प्रेशर हाई है. अदाकारों पर पाबंदी के जायरीन को मुल्क से निकालना है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है. न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है. मुलायम लहजे में बहुत प्यार से इमरान खान ने अपनी बात पहुंचा दी. इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जाना. पाकिस्तान को मेरी आंख से देखने वालों की आंखें नोट सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं गोली पर यकीन रखते हैं. निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है. इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है. अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया. बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी. वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है. सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे. ये भारत में गुस्सा है जो थम जाएगा वक्त के साथ. इलेक्शंस भी हैं, जो दीगर वजूहत हैं जिन पे हम सब पे बात कर चुके हैं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है जंग की बात, इस पे भारत सीरियसली गौर कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, जिस तरह का पागलपन अभी नजर आ रहा है हमें, आज हमें ये भी खबर आई कि वो प्रिजन में भी एक प्रिजनर, पाकिस्तानी प्रिजनर को कत्ल कर दिया गया, तो एक बिल्कुल मॉब मेंटालिटी नजर आ रही है उसमें. उस स्टेट में, पागलपन की स्टेट में, तो कोई बेवकूफी भी सरजर्द हो सकती है. लेकिन देखिए, दुनिया बड़ी इंटरकनेक्टेड है, और बेशक दुनिया इंडिया को इस चीज़ पे ना फोर्स कर सके कि वो हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें संजीदगी से, लेकिन दुनिया इस हद तक ज़रूर इंडिया को फोर्स कर सकती है कि आप कोई बेवकूफ़ी वाला स्टेप ना करें जो इस खित्ते के अमन को एडवर्सली अफेक्ट करे. क्योंकि जब अगर दो मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर आर्म्ड है जंग छिड़ जाती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिस तरह से कल इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा, वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. और ये एक नाइटमेरिश सिनेरियो है सारी दुनिया के लिए कि दो आर्म्ड न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर आखिर आपस में जंग करनी शुरू कर दें. उसके डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और सारी दुनिया के लिए. मैं आपको बता दूं, 10-12 दिन से आज तो जो मीटिंग हुई है हुकूमत की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब की, इससे पहले 10 दिन से पाकिस्तान की आर्मी के जवान सो नहीं रहे. सरहदों में निगरानी की जा रही है कि कहीं भी इंडिया ने पाकिस्तान की एक तरफ भी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला. ये पुलवामा हो या पनामा हो, ये दोनों हमें इनसे हमारा क्या तल्लुकात है? मियां नवाज शरीफ साहब पनामा में थे, पुलवामा में उनके दोस्त मोदी साहब है. पाकिस्तान को तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने अपने इलेक्शन के नतज अपनी मर्जी से लेने हैं. अच्छा भट्टी साहब, मुल्क ने 70,000 से ज्यादा शहादते दी, वो मुझे बताएं, और माशी तौर पर तबाह और पाँव पे खड़ा होने लगे. आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसे मौके में किसी दूसरे मुल्क में खुदा ना आस्था कोई गलत काम करे. पाकिस्तानी मीडिया के एंकर और एक्सपर्ट गला फाड़ कर मोदी छीन रहे हैं. कुछ न्यूज चैनल तो जंग का मैदान बने हुए हैं, वहाँ एंकर और एक्सपर्ट चीख चीख कर ऐसा गला फाड़ने लगते हैं मानो स्टूडियो में नहीं बॉर्डर पर हूँ. उनके मुंह में माइक नहीं बल्कि एटम बम है और उसे भारत पर गिरा देंगे. पुलवामा वाकई के बाद भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंदों ने बगैर किसी सबूत अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर रखा है. बौखलाहट का शिकार रिवायती अजली दुश्मन भारत इन दिनों पाकिस्तान को खूब धमकियां दे रहा है.
है, शायद वो भूल गया है कि पाकिस्तान है कौन। ये वही पाकिस्तान है जो माजी में भी कभी भारतीय धमकियों से खौफजदा नहीं हुआ, और आईना भी अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो इलेक्शन जीतने की चाह में इंतहा पसंद मोदी को कहीं पूरा महाभारत ही नहीं खोना पड़ जाए। कैसे? वो इस तरह के जरा आप देख लें कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ अजनी ताकत है बल्कि रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरह के धमाका से नवाब को ले जाने वाले शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल भी है। कहते हैं दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, और यही पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोश हाई है और पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई है। आतंक के विरुद्ध बात चली तो पाकिस्तान के इमरान और पोस्टर बाजवा को भी अपनी हैसियत समझ में आ गई। मोदी का डर ऐसा है कि पाकिस्तान के बटोरे इमरान खान को अमन और शांति का रास्ता दिख रहा है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पर सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। जो अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, कर रही है। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये तस्वीरें जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की हैं। पाकिस्तान के 33 प्रतिबंधित संगठनों में शामिल जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी स्कूल न बहावलपुर की आफाम के लिए अंजाम है, न पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों के लिए। पाकिस्तानी सेना का झूठ देखिए। जब इसी आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तानी सेना से सवाल पूछा गया तो बड़ी बड़ी बातें करने वाला इमरान का ये जनरल कैसे बदले झाड़ने लगा। इंडिया की तरफ से भी ये इल्ज़ाम आ रहा है, वो इस वाक़े में जैश मोहम्मद को मुलव्वस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जैश मोहम्मद मौजूद है, उसके उसका ठिकाने यहाँ मौजूद है, और ये पाकिस्तान से ऑपरेट किया गया। आपने कहा कि देखें इल्ज़ाम हैं, यही तो मैंने बात की कि आपने एक वाक़ हुआ, कोई एविडेंस नहीं और आपने इल्ज़ाम लगा दिया, और अब तो पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि एविडेंस लाएँ। इसे ही कहते हैं कि दाढ़ी में तिनका। बेगैरत मुल्क का बेशर्म जनरल भले ही कबूल न करे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मसूद का पता मालूम है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की मौजूदगी ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो इसकी ये कहे कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, मतलब हमारा क्या ताल्लुक है भारत में वाक़ होता है, हम क्यों तैयार होते हैं कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। और कितनी बेशर्मी से पाकिस्तान फॉर हैविंग safe havens are for terrorists here. Hussein Haqqani, if you have seen and watched his viral clip on social media, he blamed in his clip that in Bahawalpur, Pakistan is having safe havens for terrorists. So how do you respond to his statement? Thank he should come and indicate to us. Please request him to come to Pakistan. Go with me and indicate to me. नाकाम मुल्क के नामाकूल जनरल, सबूत चाहिए तो तुम दो हफ्ते पहले की इन तस्वीरों को देख लो, जब लाहौर की गलियों में तुम्हारे खुलेआम पालतू खूनी पिट्ठुओं ने दहशतगर्दी की महफिल सजाई थी, जिसमें हाफिज के आतंकी खानदान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कितना जहर उगला था। फिर किस सबूत की बात करती है पाकिस्तान की ये फौज, वो किसी की नहीं सुनेगी।